हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की, जिसके आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष रेवती से कहता है कि मैं प्रशा को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। तभी रेवती डिसाइड करती है कि प्रशा को वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह पर प्रेस करके टॉर्चर करेगी, यानी कि प्रशा को टॉर्चर करने का वो एक ऐसा तरीका निकालेगी जो प्रशा के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और वो होगा जीपीएस। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जीपीएस अभी भी लॉक होता है एक रूम में और वो रैंडम नंबर डायल कर रहा होता है। तभी उसका नंबर किसी राहुल नाम के इंसान के पास पहुंच जाता है और वो जीपीएस की सैड वॉइस सुनता है। जीपीएस उससे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ कॉल मत करना। राहुल नोट डाउन करता है प्रशा का नंबर जैसे कि जीपीएस उससे बताता है, और राहुल कहता है कि ये ज़िंदगी और मौत की सिचुएशन है मेरे लिए, इसलिए मेरी मदद ज़रूर करना। राहुल प्रशा के नंबर पर कॉल करता है और यहाँ पर बताता है कि रेवती है कोई, उसने तुम्हारे पापा को तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में वसंत विहार में कैद कर रखा है। प्रशा ये सुनकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि लेकिन तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कॉल कहाँ से आया, और जीपीएस के लिए गवाही क्या तुम दोगे ताकि मैं रेवती को एक्सपोज कर सकूं। राहुल कहता है कि ठीक है, आप जब बोलोगे मैं गवाही दे दूंगा। और प्रशा रुद्राक्ष शारदा का नंबर और यहाँ पर रेवती के साथ में वसंत विहार पहुँच जाती है रेवती को एक्सपोज करने के लिए। प्रशा जैसे ही बंगलों का दरवाज़ा खटखटाती है, वहाँ पर रेवती कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रशा कहती है रेवती से कि चुप रहो, अपनी ये बकवास बंद करो, रेवती जल्दी से दरवाज़ा खोलो। प्रशा जोर जोर से चिल्लाती है पापा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। रुद्र यह देख कर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, प्रशा से कहता है कि तुम ये पागलपन बंद करो प्रशा। तभी वो सब लौट करके खुराना हाउस आ जाते हैं और प्रशा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है उस राहुल नाम के कॉल पर। वो कहती है कि आखिर उसे अप्पा का नंबर कैसे मिला और अप्पा ने उसको कॉल कैसे किया। इधर दिखाया जाएगा कि जो राहुल है वो कलर्स जो है अपने चेंज कर लेता है, यानी कि वो गोपाल के बारे में झूठ बोल देता है और कहता है कि राहुल का जो पापा है वो बाहर काम करते थे और जीपीएस को वो इसीलिए ऐसे जानते हैं। इवन वीडियो कॉल भी आई थी गोपाल की और उन्होंने कहा था कि प्रशा हमेशा खुश रहे और वो स्माइल करती रहे। ये सब सुनकर के प्रशा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये डबल डबल चीज़ें कैसे हो रही है। यहाँ पर प्रशा क्लेम करती है कि रेवती ने ही मेरे अप्पा का किडनैप किया है और मैं ये बात सही साबित करके जाऊँगी। रेवती अप्रिशिएट करती है राहुल को उसकी झूठ बोलने के लिए, और यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।